हेलो गाइस, मैं माला रावल स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नर्स दीदी में। आज का हमारा टॉपिक है मासिक धर्म। मासिक धर्म जिसे अंग्रेजी में पीरियड कहा जाता है, महिलाओं में होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। पीरियड शुरू होने का अर्थ यह है कि महिला का शरीर गर्भधारण करने की क्षमता हासिल करने की पहली स्टेप को पार कर चुका है। पीरियड क्या है, क्यों होता है, कब शुरू होता है, जैसे कई प्रश्न जिनका उत्तर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नंबर वन, पीरियड क्या है। पीरियड का जन्म यानी यौन अवस्था शुरू होना। यौन अवस्था के शुरू होते ही बच्चों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का विकास शुरू हो जाता है। इस दौरान बच्चों के शरीर के कई हिस्सों में बाल आते हैं। इस अवस्था में लड़कों के टेस्टिस में स्पर्म बनना शुरू हो जाता है और लड़की में पीरियड शुरू हो जाता है, जिससे वे गर्भधारण के लिए तैयार हो जाती है। पीरियड के दौरान महिलाओं की योनि से रक्त स्त्राव होता है। नंबर टू, पीरियड क्यों होते हैं। जब कोई लड़की मैच्योर होना शुरू होती है तब उसका शरीर गर्भधारण के लिए तैयार हो जाता है। जब लड़की अपने यौन में प्रवेश करती है तब उसके शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं और तभी से पीरियड का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब महिला यौवन में पहुंचती है तब हार्मोनल प्रभाव के कारण ओवरी अंडे का बनना शुरू कर देती है। हर महीने गर्भाशय में एक परत का निर्माण होता है जो म्यूकस और ब्लड से बनी होती है। जब महिला के अंडाशय से निकला हुआ अंडा पुरुष के स्पर्म से मिलता है तब भ्रूण बनने और उसे पोषण देने के लिए यह परत अहम भूमिका निभाती है। जब अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है तब महिला के योनि द्वार से बाहर निकलता है जो म्यूकस और ब्लड को साथ लेकर आता है। इससे महिला को ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। इस ब्लीडिंग को हम पीरियड, मासिक धर्म या महावारी के नाम से जानते हैं। नंबर थ्री, पीरियड से संबंधित कुछ सवाल जो अक्सर पूछे जाते हैं, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। सवाल नंबर वन, पीरियड के दौरान सामान्य से ज़्यादा ब्लीडिंग होने या पीरियड के ज़्यादा दिनों तक रहने पर क्या करें। आमतौर पर देखा जाए तो स्वस्थ पीरियड 5 से 7 दिनों तक चलता है। इस दौरान अगर ब्लीडिंग भारी मात्रा में होती है या फिर पीरियड 7 दिनों से ज़्यादा समय तक चलता है तो यह बीमारी को दर्शाता है। इस बीमारी को मेनोरेजिया के नाम से जानते हैं। गर्भाशय या अंडाशय से जुड़ी कोई बीमारी, हार्मोनल असंतुलन, खून से संबंधित कोई बीमारी आदि कई प्रमुख कारण मेनोरेजिया को जन्म देते हैं। किसी महिला को ऐसी समस्या होती है तो उसे बिना देरी किए किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, वरना यह समस्या गर्भधारण में प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। सवाल नंबर टू, अनियमित पीरियड क्या है और इसके होने पर क्या करना चाहिए। तो 2 महीने तक पीरियड नहीं आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 दिन से कम या ज़्यादा होना, ब्लीडिंग ज़्यादा होना, 1 महीने रुककर पीरियड आना, पीरियड साइकिल का हर बार बदल जाना जैसी कई परेशानियां अनियमित पीरियड कहलाती है। इस स्थिति में पीरियड से में अनियमितता होने पर आपको एक अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहिए। सवाल नंबर थ्री, पीरियड नहीं होने पर क्या करें। अगर लड़की की उम्र 15 से 16 वर्ष से ज़्यादा हो गई है और उसके पीरियड नहीं आ रहे हैं या फिर 1 या 2 बार आकर बंद हो गए, स्थिति एमनोरिया के नाम से जानी जाती है। यह एक गंभीर समस्या का संकेत है। अगर किसी भी महिला का मेनोपॉज शुरू हो गया है और पीरियड नहीं आ रहा है तो इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लड़की के वयस्क होने के बाद भी उसे पीरियड नहीं हो रहे हैं तो यह एक गंभीर समस्या हो सकती है, जिससे लड़की को माँ बनने में परेशानी आ सकती है। यह समस्या ज़्यादातर हार्मोनल डिसबैलेंस, शरीर में ब्लड की कमी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कमजोर होने पर होती है, लेकिन कई दफा प्रजनन अंग में किसी बीमारी के होने के चलते भी इस समस्या को देखा जा सकता है। अगर पीरियड पूरी तरह से बंद हो गए तो संभवतः यह PCOD नामक बीमारी का संकेत हो सकता है। PCOD का पूरा नाम प्लास्टिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर है। यह एक प्रकार का हार्मोनल विकार है जिसमें ओवरी की सतह में छोटी छोटी थैलियों का निर्माण हो जाता है, जिससे अंडाशय अंडे बनाने में असमर्थ हो जाता है और पीरियड नहीं आते हैं। PCOD की समस्या में महिला को पीरियड नहीं होते हैं और उसके शरीर एवं चेहरे पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं। PCOD का इलाज खास किस्म की सर्जरी के तहत किया जा सकता है। अगर इसका इलाज सही समय पर नहीं किया गया तो यह गर्भधारण में प्रॉब्लम बन सकता है, इसलिए पीरियड के अनियमित होने पर आप जाँच जरूर करवा लें। सवाल नंबर फोर, पीरियड के दौरान तेज दर्द होने पर क्या करें। पीरियड में हल्का फुल्का दर्द होना आम बात है, लेकिन कभी कभी महिलाओं में यह दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि वे सही से चल तक नहीं। अगर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है तो इस समस्या को डिसमेनोरिया कहा जाता है। डिसमेनोरिया होने की वजह एंडोमेट्रोसिस जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है, इसलिए अगर आपको पीरियड के दौरान तेज दर्द होता है तो आपको इसकी जांच करवानी चाहिए और सही वजह का पता लगाकर इलाज करवाना चाहिए। एंडोमेट्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें एंडोमेट्रियस टिश्यू का विकास गर्भाशय से बाहर होने लगता है।
आइए जानते हैं पीरियड के दौरान कुछ सावधानियों के बारे में जो हमें रखना चाहिए। पीरियड के बारे में आज भी कई लड़कियां और महिलाएं बात करने में शर्म खाती है। ऐसे में कई लड़कियों को नहीं पता होता है कि इन दिनों कैसे खुद को स्वच्छ रखें। दरअसल पीरियड के दिनों में बाकी दिनों से भी ज़्यादा खुद की स्वच्छता पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, वरना इस दौरान आपको इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है। आइए जानते हैं कि इन दिनों आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई गाँवों व छोटे शहरों में आज भी महिलाएँ पीरियड में कपड़े का इस्तेमाल करती है, जिसे धोकर और छुपाकर सुखाने के चक्कर में खुली हवा वह धूप तक नहीं लगने देती है। साथ ही बार बार इसी का इस्तेमाल करती रहती है, जो कि गंभीर इन्फेक्शन को न्योता देता है। पेड का इस्तेमाल करें और हर 6 से 8 घंटे में अपना पेड बदल दें। लंबे समय तक एक ही पेड को लगाने से पसीने व आपकी योनि के जीवों के कारण आपका पेड नम रहता है। पेड का लंबे समय तक नम एवं गर्म स्थान पर रहने से योनि में इन जीवों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे कई प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं। वैसे तो आपको हमेशा ही अपनी योनि को पानी से धोते रहना चाहिए, उसे साफ और सूखा रखना चाहिए, लेकिन पीरियड के दौरान इसकी सफाई और भी ज़्यादा अहम होती है। इन दिनों की ब्लीडिंग के कारण खून योनि के आसपास भी लग जाता है, जिससे आपको तुरंत धोना चाहिए। इससे आपकी योनि से आने वाली दुर्गंध भी कम हो जाएगी। जैसे आप नहाते हैं वक्त साबुन का इस्तेमाल अपने शरीर के जर्म्स को खत्म करने के लिए करते, यही सोचकर अक्सर महिलाएं अपनी योनि को भी साबुन लगाकर धोती है, लेकिन आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। योनि की स्किन के लिए साबुन हार्ड होते हैं, ये आपकी योनि की जरूरी व अच्छे बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देते हैं। आपकी योनि में 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे व बुरे। अच्छे बैक्टीरिया वहाँ हमेशा ही मौजूद होते हैं, जो आपको छोटे मोटे इन्फेक्शन से स्वतः ही बचा लेते हैं। योनि बुरे बैक्टीरिया को भी स्वतः ही नष्ट करने में समक्ष होती है, इसलिए आपको केवल गुनगुने पानी से अपनी वजाइना साफ करना चाहिए। अधिक बहाव में बार बार पेड़ बदलने के झंझट से बचने के लिए महिलाएं एक ही बार में 2 पेड़ लगा लेती है, यह तरीका बिल्कुल गलत है। एक पेड़ की जितनी सूखने की क्षमता है वह उतनी ही सूखेगी, और 2 पेड़ एक साथ लगाने से योनि में गर्मी अधिक बढ़ेगी, बैक्टीरिया अधिक पनपने लगेंगे और सिर्फ दुर्गंध को न्योता देंगे, साथ ही आपको असुविधा भी होगी। अपनी योनि को साफ करते समय सही तरीके को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। अपने हाथ को आगे से पीछे की ओर चलाएं। यदि आप पीछे से आगे की ओर हाथ मूव करते हुए योनि साफ करते हैं, तब आपकी एनस की तरफ मौजूद बैक्टीरिया आपकी योनि की तरफ आ जाते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे में आपको पता भी नहीं चल पाता कि इतनी बार धोने पर भी संक्रमण कैसे हुआ। इस्तेमाल किए गए पेड को पेपर या नेपकिन में लपेटकर कूड़ेदान में फेंकें। जैसे कि बताया जा चुका है कि गीले पेड को लंबे समय तक इस्तेमाल करने से आपकी जांघों व गुप्त अंगों पर लाल चकते पड़ जाते हैं और उस हिस्से पर जलन भी हो सकती है। इससे बचाव के लिए पेड को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। पीरियड के दिनों में अपने बैग में हमेशा एक्स्ट्रा सैनिटरी नेपकिन, टिश्यू पेपर, हैंड सैनिटाइजर या एंटीसेप्टिक दवा रखें, क्योंकि किसी भी वक्त इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इस्तेमाल किए गए पेड को कभी भी फ्लश ना करें। अगर आपने डॉक्टर को दिखा दिया है और आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, फिर भी आपको पीरियड का पेन कम नहीं हो रहा है, आपको हर मंथ पीरियड पेन होता है, तो मैं आपको 2 टेबलेट के नाम बताती हूँ, जिसे आप आराम से ले सकते हो और ये आपके लिए सेफ भी है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। हम अधिकतर टाइम पीरियड पेन में कोई सी भी पेन किलर ले लेते हैं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई सी भी पेन किलर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में हमें सिर्फ मेप्थाल इस्पास या इस्पास्मोनिल टेबलेट ही लेना चाहिए। वीडियो कैसी लगी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।